नीतीश कुमार जी अपना अहम या फिर उनका ईगो के लेकर के उप भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के लिए, कारण कि बिना इनका से पूछले, बिना इनका से जचले, बिना इनका से मंत्रणा कैले नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित कर दिए। ओकर परिणाम ये भइल कि विशेष राज्य के दर्जा जो कि बहुत पहले से याद हुई वालों के दावा ही बात राष्ट्रीय जनता दल करेला, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, शिवानंद तिवारी, श्याम रजक, जगतानंद सिंह लगातार ये बात के कहले कि विशेष राज्य के दर्जा तो हमनी के मंगले रही या ओकरा के हैक कर ले नीतीश कुमार। विशेष राज्य के दर्जा देवे खातिर में अक्षमता व्यक्त करता केंद्र के सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के लगातार रेणु देवी से लेकर के और वह हरिभूषण ठाकुर बचौल, जीवेश मिश्रा से लेकर के नारायण प्रसाद तक ले बात कर ली। आज भी जब हमारी टीम उनका से पूछला था विशेष राज्य के दर्जा के बारे में तो सीधे नकार गई है, कहला कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी से ज्यादा प्रभावशाली कहीं तेजस्वी यादव मत हो जा, कारण कि विशेष राज्य के दर्जा और बिहार के विकास के जो नेगो नया मानक और खाका खींचल गई रहे ओकरा में तेजी से आगे बढ़त रहे। अशोक चौधरी शिक्षा पर लेकर के केंद्र से लड़ाई लड़ गई रहन, रुआ याद हो कि महागठबंधन के सरकार में स्मृति ईरानी के साथ जो अशोक चौधरी के मामला भई रहे वो मामला दुनिया के नहीं जानत। सबसे ज्यादा बिहार के अधिकार मांगे खातिर, हक हुकूक मांगे खातिर कहीं ना कहीं अशोक चौधरी पर स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री रही और बिहार के शिक्षा मंत्री रहन अशोक चौधरी तो ना घड़ी जबरदस्त असन भई रहे और शिक्षा में सुधार खाती अशोक चौधरी अपने प्रयास भी छोड़ लेना रहन। तो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के लंबा शासन रहे, 10 साल कांग्रेस के शासन रहे केंद्र में, वो करी साथी रहन, वो घड़ी भी विशेष राज्य के दर्जा ले सकत रहन, लेकिन उनको मन में विशेष राज्य के दर्जा लेवे और देवे के कोनो मत ना रहे, सिर्फ एकरा के मुद्दा बना के रखे के रहे। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के तो एक्सपोज हो गई बा। कहाँ कहत बानी कि करक खैरात के बाद, कहाँ कहत बानी कि करक खैरात के बाद हमार हक दे दो अगर बा औकात के बाद, हमार हक दे दो अगर बा औकात के बाद, जन कर ईमान वाला, जन कर ईमान वाला से सौगात के बाद, जन कर ईमान वाला से सौगात के बाद, कर जन मालिक से विश्वासघात के बाद। गोड़ा नहीं हेरा से अभिनंदन बर वालों के अपना कार्यक्रम जन के नाम है खूटा ठोक। अक्सर कहा जाला कि लोकतंत्र के दू गो पाठ होला, जौना में सबसे महत्वपूर्ण जन होला ऊ होला आम लोग यानी लोग, और पहले लोकतंत्र में लोगे आवेला और लोग जौन तंत्र बनावेला वो तंत्र के पूरा पूरा अधिकार होला कि जनता के जौन डिमांड बा, उनकर जौन आवश्यकता बा, जौन विकास खातिर जरूरी चीज बा, ओकरा के तंत्र के द्वारा लोग तक पहुँचावल जा सके, लेकिन एक सर्वथा अभाव नजर आवत है। अब जो बिहार और बिहार के राजनीति के साथ साथ देश के राजनीति के साधे के प्रयास हो रहा बा, वो प्रयास में कहीं ना कहीं ढेर लोग के असलियत खुलत चला होता और जानता नहीं कि जब स्वार्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाला तो हकीकत सामने आवेला, सच्चाई खुल के सामने आवेला। आज के खुटा ठोक में लगातार रुआ लोग से तो जो बात जो करत आ रहा बनी वो बात के कड़ी के थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए रुआई सुन ले हुकम कि सरकार गिर जाई, कि केकरा संगे आई, के केकरा संगे ना रही, ये सब बात लगातार चल रहा बा। लेकिन ये सब में एगो बात जो कि नीतीश कुमार के खाली फेर बिना कोनो चुनाव के जोन कुछ मुद्दा सामने रखल गई, जोन के डिमांड कल गई, रउए मालिक बनी और रउए मांगतनी, तो निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न जरूर हो जाता और ऐसने सवाल खड़ा हो गई बा। जहां एक तरफ नीतीश कुमार जी बात कहले रही कि जे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा जी बिहार के विकास में हमारे सहभागी बनी ओकरा साथे हम रहब, ये बात नीतीश कुमार जी के पता ना रहे जब 2013 में बाहर भइले भारतीय जनता पार्टी से, तब ओघरी केकर सरकार रहे। नीतीश कुमार जी बाहर होके के पहले इस शर्त रख सकत रहन यूपीए के सरकार से कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के आवल चाहता नहीं, तू बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देबा